हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मनाने वाले हैं चूरोस, एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्टली हमें एक हीटेड पैन में 1 कप वाटर डालना है एंड इसे थोड़ा बॉईल कर लेना है। देन वी नीड टू ऐड शुगर इनटू इट एंड अच्छे से शुगर को मेल्ट होने देना है। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून शुगर ले रही हूँ एंड देन वी नीड टू ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ बटर एंड इन तीनों चीज़ों को अच्छे से स्टर करना है जब तक बटर बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। यू नीड टू मेल्ट द बटर ऑन मीडियम फ्लेम अंटिल इट्स फुली मेल्टेड एंड देन आपको अपनी फ्लेम बंद कर देनी है। देन यू नीड टू ऐड 3/4 कप ऑफ मैदा एंड यू नीड टू स्टर इट कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर मैंने मैदे को 2 पार्ट्स में डाला है। पहले मैंने 1/2 कप डाला है एंड देन 1/4 कप डाला है एंड मिक्स करते करते आपको कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी मिलने लग जाएगी। ना ये प्रॉपर डो कंसिस्टेंसी होगी और ना ही ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में होगा। तो आपको एक बार इसको स्लैब पे निकाल के या कहीं अच्छे से एक बार नीट करना है इस डो को एंड थोड़ा ध्यान से, बिकॉज़ ये थोड़ा सा गर्म होगा। देन आप अपनी पाइपिंग बैग में कोई सा भी नोज़ल डाल सकते हैं या फिर आप बिना नोज़ल के भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ 12 नंबर का नोज़ल लिया है एंड मैं इसको पाइपिंग बैग में इंसर्ट कर रही हूँ एंड देन जो आपने डो बनाया है या बेसिकली मिक्सचर कह लो चूरोस का डो, तो आपको उसको अपने पाइपिंग बैग में डालना है एंड उसको अच्छे से प्रेस कर देना है जिससे एयर बबल्स जो है वो बाहर निकल आए, बिकॉज वो बाद में आपको मुश्किल करेंगे। एंड देन इसे अच्छे से आप रबर बैंड से या किसी भी चीज़ को ऐसे टाइट कर दें एंड अपने बेकिंग पेपर या किसी सिलिकॉन शीट पे आप इसको ऐसे पाइप कर सकते हैं। एंड चूरोस की यही पहचान होती है, इनकी ऐसी शेप आती है, ये जो आप लाइंस देख पा रहे होंगे। एंड तो अगर आप अरेंज कर सकते हैं नोज़ल तो दैट्स वेरी गुड, बट टेस्ट तो वही रहेगा एट दी एंड। तो आप इसे बिना नोज़ल के भी कर सकते हैं। देन आपको इनको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है एंड ध्यान रहे इसकी फ्लेम हाई ना हो, ये जल भी सकते हैं। एंड आप इनमें 2 शेड्स देख पा रहे होंगे, एक थोड़ा डार्क शेड एंड कुछ लाइट शेड थे, तो मैंने दोनों दिखाए हैं। जो डार्क शेड के थे वो अंदर और बाहर दोनों जगह से क्रंची थे एंड जो लाइटर वाले थे वो बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट थे, तो ये डिफरेंस होता है। एंड आप इससे ज़्यादा अगर डार्क वाले को और फ्राई करेंगे तो वो जल भी सकते हैं, सो ध्यान रहे थोड़ा। देन यू नीड टू स्प्रिंकल कैस्टर शुगर और पाउडर्ड शुगर ऑन टू योर चूरोस एंड देन इनको सर्व कर सकते हैं मेल्टेड चॉकलेट के साथ या फिर चॉकलेट गनाश या फिर चॉकलेट सॉसेस के साथ। तो मैंने यहाँ चॉकलेट गनाश यूज़ करी है। चॉकलेट गनाश बनाना बहुत ईजी है, सिर्फ 4 टेबलस्पून आपको चॉकलेट लेनी है, बी ए डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, एंड देन यू नीड टू ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम। यू कैन ऑल्सो यूज़ 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क इंस्टेड, बिकॉज चूरोस के साथ चॉकलेट की कंसिस्टेंसी फ्लोई अच्छी लगती है। एंड देन आप देख पा रहे होंगे काफ़ी क्रंची लग रहे हैं एंड देन व्हेन यू हैव इट विद द चॉकलेट, बिलीव मी यू कांट फाइंड एनीथिंग बेटर देन दिस। Thanks for watching. I hope you like this recipe. For more such recipes, please do like, share and subscribe my channel and don't forget to comment what you want to see in the next video. Till then, bye-bye.